वेलकम टू सिनेब्रिटी। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। पिछले कुछ समय से बॉबी साल 2020 में रिलीज हुई सीरीज आश्रम को लेकर काफी चर्चा में है, जिसमें एक्टर लीड रोल में नजर आए थे और इस सीरीज को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन बॉबी देओल की एक्टिंग की जमकर तारीफ भी की गई थी। सीरीज के बाद अब एक्टर अपने लुक्स की वजह से चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में बॉबी देओल की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आप भी शॉक रह जाएंगे। इन लेटेस्ट तस्वीरों में एक्टर का इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। फोटो से ही पता चल रहा है कि बॉबी देओल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में बॉबी देओल जिम में वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी मस्कुलर बॉडी भी साफ नजर आ रही है। फोटोज में एक्टर ने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स और ग्रे कलर की स्लीवलेस टी शर्ट पहन रखी है, जिसमें एक्टर की जबरदस्त बॉडी भी नजर आ रही है। वही एक्टर का एक वीडियो भी आजकल सामने आया है, जिसमें वो अपनी बॉडी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉबी देओल की ये फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वही आपको बता दें कि बॉबी देओल के वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो एक्टर साल 2020 में आश्रम के अलावा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म क्लास 83 में भी नजर आए थे और इस फिल्म में उन्होंने एक सख्त पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। और अब एक्टर 3 फिल्मों में नजर आने वाले हैं। पहली है कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी की फिल्म एनिमल, और इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ में रणबीर कपूर और अनिल कपूर भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का एक टीजर भी जारी कर दिया गया है। दूसरी फिल्म है अपने 2, और इस फिल्म में बॉबी देओल अपने पापा धर्मेंद्र और भाई सनी देओल के साथ में नजर आने वाले हैं। और इसके अलावा एक्टर शंकर रमन के निर्देशन में बन रही फिल्म लव हॉस्टल में भी दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ में सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।